नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज़ के हमारे खास कार्यक्रम सी हेल्थ में और आपके साथ मैं हूं नंदिनी पाठक। दर्शकों, जैसा कि हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हर एपिसोड में हम चर्चा करते हैं तमाम उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो रोजमर्रा की जिंदगी में आपको परेशान कर सकते हैं, तमाम उन बीमारियों के बारे में, उनके ट्रीटमेंट के बारे में और किस तरीके से डॉक्टर्स आपको एडवाइस करते हैं, इन सभी की जानकारियाँ पहुँचाते हैं इस चर्चा के माध्यम से। और इस चर्चा को खास बनाने के लिए हमारे साथ हर बार स्टूडियो में मौजूद होते हैं तमाम विशेषज्ञ। तो इसी क्रम में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राजीव कृषक, जो कि नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ हैं और एक्स प्रेसिडेंट हैं IAP के। तो सबसे पहले इनका स्वागत करना चाहेंगे हमारे स्टूडियो में। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो दर्शकों, आज का जो हमारा विषय है वो है गर्मी के मौसम में बच्चों में होने वाली उन तमाम परेशानियों को लेकर जो आपके बच्चे को परेशान कर सकते हैं, किस तरीके से इन परेशानियों से बचना है, अपने बच्चे का ख्याल कैसे रखना है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करते हैं और सबसे पहले डॉक्टर से जानेंगे। डॉक्टर, जैसे कि मौसम बदल रहा है और गर्मी बढ़ चुकी है, इतना ज़्यादा गर्मी हो गई है कि लोग परेशान हो चुके हैं, बच्चों को इस मौसम में क्या क्या परेशानियाँ हैं जो परेशान कर सकती हैं? इस मौसम में कई सारी दिक्कतें होती हैं बच्चों को, जैसे कि फूड और वाटरबोन डिजीजेज हैं, जो पानी से संबंधित और खान पान से संबंधित बीमारियां हैं, जैसे उल्टी दस्त हैं, टाइफॉइड है, हेपेटाइटिस ए है, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां हैं जो खान पान के माध्यम से होती हैं। इसके अलावा इस समय बच्चों को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, वो उल्टी दस्त की वजह से भी पानी लॉस हो सकता है बॉडी से, और बच्चा अगर गर्मी के मौसम में बाहर एक्सपोजर हो गया, सन में एक्सपोज हो गया, तो उसमें भी पानी की कमी बॉडी के अंदर हो सकती है। इसके अलावा कुछ आँखों की प्रॉब्लम है, कंजंक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम भी ज़्यादा होती है ऐसे बच्चों में, और कुछ हीट रिलेटेड प्रॉब्लम डायरेक्टली होती हैं, कोई सन में एक्सपोज हो गया, लंबे समय तक कोई सन में धूप में रहा, तो उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, बुखार आ जाना, तेज़ बुखार आ जाना, कई बार उस बुखार का दिमाग पर असर हो जाता है, जिसे हीट स्ट्रोक बोलते हैं, वो भी हो सकता है उसके अंदर, ये सारी प्रॉब्लम है। इसके अलावा क्योंकि इस टाइम पानी इकट्ठा बहुत होता है कूलरों में, तो उसमें मच्छरों की प्रॉब्लम भी ज़्यादा होती है, जैसे मलेरिया है या डेंगू है, ये सारी प्रॉब्लम्स बच्चों में देखने को मिलती है। जी, और जैसे ही गर्मी का मौसम शुरू होता है, स्किन से रिलेटेड भी तमाम परेशानियाँ सामने आती हैं। स्किन अगर आप सन में ज़्यादा एक्सपोज होंगे तो सनबर्न होने के चांस होते हैं, स्किन जल जाती है लगभग, गमोरियाँ होने के चांस होते हैं, ये प्रॉब्लम बच्चों में देखने जी। तो डॉक्टर, आपने कई कैटेगरी बताई कि इसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, चाहे स्किन से रिलेटेड हो, चाहे आँखों को लेकर हो, चाहे गर्मी की वजह से हो, अगर हम इन सभी को बारी बारी से डिस्क्राइब करें और दर्शकों को बताना चाहें कि ये तमाम जो परेशानियाँ हैं उनके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, तो अगर हम शुरुआत से लें, सबसे पहले गर्मी की वजह से डिहाइड्रेशन की समस्या सबसे ज़्यादा सामने आती है बच्चों में, तो और जल्दी ये परेशानी सामने आती होगी, तो उसके क्या लक्षण रहते हैं, इन सब के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। डिहाइड्रेशन गर्मियों में मेनली दो कारणों से होता है बच्चों में, या तो उल्टी दस्त हो जिसमें पानी लॉस हो बॉडी से काफ़ी, उसमें डिहाइड्रेशन होगा, दूसरा बाहर अगर सन में एक्सपोज हो गया तो होगा, जब पानी की कमी होगी तो बच्चा जो है गर्म हो जाएगा, बुखार आ जाएगा, पेशाब बहुत कम जाना शुरू कर देगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा बच्चा, ये डिहाइड्रेशन की निशानी होती है। स्किन उसकी बिल्कुल सूख जाएगी, आंखें गड्ढे में हो जाएंगी, आंखें पीछे की तरफ चली जाएंगी, ये सही सब दर्शाता है कि शरीर में पानी की कमी है, जो बच्चे के लिए खतरनाक और जानलेवा भी हो सकती है। जी, और स्किन से रिलेटेड अगर हम बात करें तो चाहे वो नवजात शिशु हों या उससे थोड़े बड़े बच्चे हों, 5 से 10 साल तक के बच्चे हैं, उनमें स्किन से रिलेटेड तमाम परेशानियाँ सामने आती हैं, तो उनके क्या लक्षण हो सकते हैं? जैसे घमोरियाँ बहुत कॉमन चीज़ है अगर आप गर्मी में देखें तो, इसके अलावा बच्चा बहुत गर्मी में रख दें तो बच्चे को, चाहे छोटा बच्चा है, न्यूबॉर्न है, लोग क्या करते हैं उसको पूरे कपड़े पहना दिए, मोजे भी पहना दिए, कैप भी पहना दिया, साथ में उसको कम्बल में लपेट कर रख दिया, इससे क्या होगा, बच्चे का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बच्चा गर्म हो जाएगा, यूजली सेकेंड डे थर्ड डे माँ लेके आते हैं कि बच्चे को बुखार आ रहा है, और ज़्यादातर बुखार का कारण होता है कि या तो बच्चे ने एडिक्वेट फीड ना लिया हो, यानी डिहाइड्रेशन हो उसको, या उसको ज़्यादा लपेट कर रख दिया गया हो, तो उसकी वजह से बच्चे में, छोटे बच्चों में बुखार आ रहा है। जी, तो ये नवजात बच्चों की आपने बात की, उससे जो बड़े बच्चे हैं उनमें स्किन रैशेस की समस्या है घमोरियों के अलावा, और कई बार जो आप कपड़ों की बात कर रहे हैं उसकी वजह से भी काफ़ी परेशानियां सामने आ सकती हैं, तो उस कंडीशन में हम उन बच्चों को किस तरीके से रखें? बच्चों को प्रॉपर मौसम के अनुसार कपड़े पहनाएं, हल्के कपड़े हों, हल्के कलर के कपड़े हों, और सूती हों तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा कपड़े पहनाने की कोशिश ना करें, और अगर बच्चा बाहर जा रहा है तो सिर को ढक ले, हाथ पैरों में अगर पूरे कपड़े पहने हुए हैं तो ज़्यादा अच्छी चीज़ है गर्मियों में।
जी, आपने मच्छरों से होने वाली तमाम बीमारियां बताई। अगर हम छोटे बच्चों से लेकर चलें तो कई बार ऐसा होता है कि छोटे बच्चों को ज़रा सा मौसम ने प्रभावित किया और वो तुरंत बीमार हो जाते हैं, तो मच्छरों से संबंधित तमाम वो परेशानियां हैं, बीमारियां हैं जो बच्चों को घेर सकती हैं, वो कौन सी कौन सी हैं? मेनली दो हैं, एक तो मलेरिया है और दूसरा जो है डेंगू फीवर है। ये मच्छरों से बहुत होते हैं गर्मियों के शुरू के सीज़न में, क्योंकि जब कूलर इस्तेमाल होना शुरू होता है, पानी कूलरों में भरा रहता है, लोग ध्यान देते नहीं है, पानी को साफ़ नहीं करते रहते हैं, जो इकट्ठा वाला पानी है इसमें उसके अंडे होते हैं, लार्वा होते हैं, उससे मच्छर डेवलप होते हैं, तो बच्चे को मलेरिया होने का, तेज़ बुखार होने का और डेंगू होने का, इन दोनों की संभावना रहती है। जी, तो इस कंडीशन में बच्चे में क्या क्या लक्षण दिखाई दे सकते हैं? मलेरिया और डेंगू के लक्षण होंगे, तेज़ बुखार होगा, शरीर में दर्द होगा, कई बार उल्टियाँ भी होती हैं, कई बार मलेरिया दिमाग पर भी असर कर लेता है, उससे भी प्रॉब्लम होती है, बेहोशी भी चल जाती है बच्चे को, उल्टी दस्त होते हैं, पानी का भी लॉस होता है, दौड़े भी आ सकते हैं कई बार तेज बुखार की वजह से मलेरिया में या डेंगू में, और डेंगू में तो और भी प्रॉब्लम हो जाती है, प्लेटलेट कम हो जाएंगी उसकी वजह से, कई बार शरीर में ब्लीडिंग होने के चांस होते हैं बहुत जगह से, खून का दौरा भी बच्चे का कई बार कम हो जाता है जिसकी वजह से वो जानलेवा सिद्ध होता है। जी, तो छोटे बच्चों में मतलब अगर हम कहें कि ये परेशानियां जल्दी उन्हें पकड़ सकती हैं तो काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। डॉक्टर, अगर हम बात करें उन तमाम परेशानियों की जो बच्चों को आँखों से संबंधित हो सकती हैं, जैसे कि आपने बताया कि बाहर जा रहा है बच्चा तो डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है, तो कई बार आँखें लाल होना, इस तरीके की परेशानियां भी सामने आती हैं, तो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चों को परेशान कर सकती हैं? एक तो आँखों का इन्फेक्शन है, कंजंक्टिवाइटिस जिसे बोलते हैं, आँख आना जिसे बोलते हैं, वह बहुत कॉमन है। दूसरा, गर्मियों के मौसम में धूल लगकर भी बहुत होता है, तो धूल जाने की वजह से भी आँखों में प्रॉब्लम होती है, एलर्जी की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, कई बार जो है अप्रैल के या मई के समय में चैंपा देखा होगा पिछले सालों में कई आया था, जो कुछ छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो उड़ते रहते हैं सरसों में होते हैं, वो आँखों में आते हैं तो बहुत भयंकर एलर्जी करते हैं, आँखें रेड हो जाना और बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो इसमें भी ध्यान रखना चाहिए, गर्मी बहुत ज़्यादा एक्सपोज ना हो और धूल से इन चीज़ों से बचें। जी, तो क्या नवजात शिशुओं में भी ये समस्या हो सकती है? नवजात शिशु में आँखों की प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होती, बाकी प्रॉब्लम्स होती हैं गर्मी से संबंधित, जो ज़्यादा लपेट के रखेंगे बच्चे को, फीड प्रॉपर नहीं करा रहे हैं, तो उसमें डिहाइड्रेशन और बुखार आने के चांस ज़्यादा होते हैं छोटे बच्चों। जी, तो जन्म के तुरंत बाद अगर हम कहें तो किस तरीके की जो सावधानियां हैं ताकि बच्चे में ये सभी प्रॉब्लम्स ना आए, वो पेरेंट्स को किस तरीके की सावधानियां रखनी हैं? जैसे कि आपने कपड़ों से संबंधित बताया, और भी कौन सी सावधानियां रखनी हैं? सबसे बड़ी बात है उसको सिर्फ माँ का दूध पिलाएं और निश्चित समय के अंतराल पर पिलाएं, 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे, क्योंकि बच्चे को सब कुछ माँ के दूध से मिल जाता है, पानी भी माँ के दूध से सफिशेंट मिल जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, गर्मियों में अलग से पानी पिलाना शुरू कर देते हैं, अलग से चीज़ देना, जो बिल्कुल गलत है, जितना पानी बच्चे को चाहिए वो माँ के दूध में मौजूद है, नंबर 1। दूसरा, रूम का टेम्परेचर प्रॉपर रखें, आइडियली जो रूम का टेम्परेचर होना चाहिए वो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए, इस पर बच्चा बहुत कंफर्टेबल रहता है, उसमें कोई दिक्कत होने का चांस नहीं होता है। तीसरा, बच्चे को बहुत ज़्यादा कपड़े उड़ा के ना रखें। कुछ लोग क्या करते हैं, पंखा ही बंद कर देते हैं, पंखा नहीं चलाना है, ऐसा नहीं, पंखा चला सकते हैं, हल्का पंखा चला सकते हैं, और बहुत ज़्यादा कपड़े बच्चे को ना पहनाएं मौसम के अनुसार से, अगर ऐसा करेंगे, बहुत ज़्यादा कपड़े उसको लपेटेंगे, पंखा बंद कर देंगे, तो बच्चे में बुखार होने के चांस ज़्यादा होते हैं। जी, तो हीट रिलेटेड आपने बताया कि समस्याएं हो सकती हैं, तो वो कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और उसके जो लक्षण हैं वो किस तरीके से पहचाने पेरेंट्स? हीट रिलेटेड एक तो वाटर बोन डिसीज़ हो गई, फूड बोन डिसीज़ हो गई, उल्टी हो गई, दस्त हो गई, बाहर आप जा रहे हो मार्केट में खाना खा रहे हैं, खुली हुई चीज़ें खा रहे हैं, खुले हुए फ्रूट्स खा रहे हैं, चाट पकौड़ी खा रहे हैं, इन सब में सफाई का ध्यान तो होता नहीं। दूसरा, इस टाइम ये चीज़ें जल्दी ख़राब भी होती हैं गर्मी की वजह से, गर्मी की वजह से कीटाणु बहुत जल्दी इनमें ग्रो करते हैं, तो इन्फेक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं, उसकी वजह से बच्चे को उल्टी होना, दस्त होना, कई बार हैजे की शिकायत हो जाती है। टाइफाइड के कीटाणु भी इस टाइम ज़्यादा फैलते हैं, तो टाइफाइड होने के चांस, बच्चे को बुखार होने के चांस रहते हैं। जी, मच्छरों की वजह से मलेरिया और डेंगू होने के चांस रहते हैं, आँखों की दिक्कतें होने की संभावना होती है, स्किन की प्रॉब्लम है, सनबर्न बहुत ज़्यादा होता है, अगर आप डायरेक्ट उसमें सन में एक्सपोजर होंगे तो बाहर निकलते हैं, तो कई बार हम लोग सन स्क्रीन लगा के निकलते हैं, सन में ज़्यादा एक्सपोजर होने के चांस है, कपड़े पूरे पहन के निकलें ज़्यादा अच्छा रहता है, उसमें सनबर्न से बचेंगे। दूसरा, जो पानी भाप बन के हमारे शरीर से उड़ता है पसीना, वो भी कम हो जाएगा, तो उसमें पानी की कमी होने के चांस भी कम हो जाएंगे, अगर हम पूरे कपड़े प्रॉपर कपड़े पहन के निकलते हैं। जी, तो आपने मच्छरों से होने वाली मलेरिया और डेंगू की बात की, वहीं अगर हम इसके टेस्ट की बात करते हैं तो बच्चों में जनरली देखा जाता है कि 2-3 दिन अगर फीवर आ रहा है तो लोग अवॉइड कर देते हैं कि शायद गर्मी की वजह से आ रहा होगा, वहीं अगर हम इसके टेस्ट की बात करें तो कितने दिन तक अगर बच्चे को फीवर है तो लोगों को चिकित्सक से परामर्श करना है और टेस्ट कराने हैं? इसमें बेसिकली मलेरिया और डेंगू की बात करें, मलेरिया का एक पैटर्न होता है, उसमें ऐसा नहीं कि लगातार 24 घंटे 48 घंटे बुखार आता रहे, मलेरिया में पीरियोडिक बुखार आता है, यानी 8 घंटे 10 घंटे रहा, उसके बाद एक दिन के लिए उतर जाएगा, एक दिन छोड़ के बुखार आएगा, अगर ऐसा पैटर्न दिख रहा है तो हम निश्चित रूप से मलेरिया की जाँच करेंगे। डेंगू में बहुत हाई ग्रेड फीवर होता है, लगातार फीवर होता है, बच्चे को उल्टियाँ होती हैं, बच्चे को पेट में दर्द होता है और सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो अगर ये लक्षण हमें लगते हैं तो हम
पहले दूसरे दिन भी जांच करा सकते हैं, और अदरवाइज सिंपल फीवर लग रहा है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं लग रहा है उसमें, तो हम दो दिन तीन दिन चार दिन वेट कर सकते हैं। जहाँ तक टाइफॉइड की बात है, टाइफॉइड में यूजुअली आजकल तो बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं जो कि सेकेंड डे थर्ड डे भी पॉजिटिव आ जाते हैं, तो उसमें अगर लगातार कंटिन्यू फीवर चल रहा है, बिल्कुल नहीं उतर रहा है, दो दिन तीन दिन हो गए, तो हमें टाइफॉइड के बारे में भी सोचना चाहिए। जी, तो आपने जो ये लक्षण बताए हैं और इनके टेस्ट बताए हैं, वो ज़रूरी है कि अगर आपके बच्चे को कोई भी ऐसा लक्षण दिख रहा है तो आपको तुरंत अपने चिकित्सक से परामर्श करना है और टेस्ट करा के उसका ट्रीटमेंट शुरू कराना है। डॉक्टर, जैसा कि आपने कहा कि समय से पता लग जाता है, दो तीन दिन के बाद पता लग जाता है कोई भी अगर प्रॉब्लम है, अच्छे अच्छे टेस्ट आ गए हैं, वहीं कई बार हमने देखा है कि बच्चों को अगर प्रॉब्लम हो रही है, कोई फीवर हुआ, तो पेरेंट्स अपने घर पर ही कोई दवा दे दी बच्चे को, या कोई दवा उनको लिखी गई तो वो पेरेंट्स ने बच्चे को खिला दी, ये बात कितनी हद तक ठीक है, और इससे अगर जो प्रॉब्लम है वो क्या हो सकती है? ये बात सही है कि बुखार है, चलो एक बार हुआ, बुखार की दवा, उतारने की दवा ज़रूर दे सकते हो अपने आप, लेकिन बाकी दवाइयाँ नहीं देनी चाहिए, खासतौर से एंटीबायोटिक्स। अब किसी एक बच्चे के लिए एंटीबायोटिक लिख दिया, पेरेंट्स क्या करेंगे, वही एंटीबायोटिक, इसको भी यही प्रॉब्लम थी, दो दिन बुखार आया था, डॉक्टर ने यह दवा लिखी थी, सेम मेडिसिन वो उस बच्चे को देता है, जो बहुत ही गलत है। एंटीबायोटिक के बहुत दुष्प्रभाव होते हैं, बहुत सारे नुकसान होते हैं, तो हमें सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। हाँ, बुखार की जो कॉमन मेडिसिन है, पैरासीटामोल वगैरह है, डॉक्टर से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, उस स्थिति में पैरासीटामोल तो दे सकते हो, बाकी दवाइयाँ अवॉइड करनी चाहिए। जी, तो अगर एक दो दिन फीवर आया है तो हम दवा दे सकते हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद चिकित्सक से परामर्श भी करना है, बहुत ज़रूरी है। जी, और टाइमिंग की अगर हम बात करें डॉक्टर, तो कई बार जैसे कि मैंने पिछले सवाल में आपसे पूछा था कि कई बार लोग अवॉइड कर देते हैं, लापरवाही बरत जाते हैं, ये सोचते हैं कि एक दो दिन की बात है, ठीक हो जाएगा फीवर, तो अगर इन सभी फीवर्स की अगर हम बात करते हैं, तो इनमें टाइमिंग जो है ट्रीटमेंट की, वो कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है? जैसे कि आपने कहा कि लगातार फीवर नहीं आ रहा है, उतर जाता है फीवर, फिर आ रहा है, तो जो ट्रीटमेंट की टाइमिंग है वो कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है? अगर हल्का बुखार है, तेज़ बुखार नहीं है, आ रहा है, हल्का सा उतर रहा है, तो एक दो दिन हम इंतज़ार कर सकते हैं, तो बड़ी बात नहीं है, सिंपल बुखार की दवा। लेकिन अगर तेज़ बुखार है, बच्चे का बिहेवियर अल्टर हो गया है, उसको नींद ज़्यादा आ रही है, पेशाब बच्चे को कम आ रहा है, बुखार लगातार चढ़ रहा है, ठंड लग के बुखार आ रहा है, उसको दस्त हो रहे हैं साथ में, उल्टियाँ हो रही हैं साथ में, ये ऐसे लक्षण हैं, इसमें हमें घर पर बिल्कुल वेट नहीं करना चाहिए और इमीडिएटली अपने जो चिकित्सक है उससे संपर्क करना चाहिए। जी, तो दर्शकों, जैसा कि डॉक्टर ने आपको बताया कि तमाम जो लक्षण हैं और जो परेशानियां हैं वो सामने आ सकती हैं, अगर कोई भी लक्षण आपको अपने बच्चे में दिखाई दे रहा है तो आपको तुरंत अपने चिकित्सक से परामर्श करना है और समय रहते उनका ट्रीटमेंट कराना है, क्योंकि बच्चों को ये परेशानियां और जल्दी घेर सकती हैं, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि समय रहते आप उस बीमारी का ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि हो सकता है अगर आप ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं समय पर या लापरवाही बरतते हैं तो ये समस्या और ज़्यादा बढ़ जाए। डॉक्टर, हम बात कर रहे थे कि लोग घर पर तमाम चीज़ें प्रयोग कर लेते हैं या दवाएं खिला देते हैं बच्चों को, वहीं एक और चीज़ कॉमन होती है गर्मियों में बच्चों को लेकर, कि लोग ORS या फिर ग्लूकोज की जो डोज है वो देना शुरू कर देते हैं बच्चों को, अगर गर्मी है भी या उनको कोई प्रॉब्लम नहीं भी है, नॉर्मली भी वो अपने बच्चों को ORS का घोल या फिर ग्लूकोज देने लगते हैं, तो ये बात कितने हद तक ठीक है, और इसमें जो पूरा तरीका होना चाहिए, जो सही तरीका होना चाहिए, वो क्या होता है? गर्मियों में ये बात बिल्कुल सही है कि पानी की मात्रा प्रचुर मात्रा में लेना चाहिए, और भी तरल पदार्थ अपन प्रचुर मात्रा में लें, जैसे नींबू की शिकंजी है, सादा पानी पिए, नारियल पानी पिए, लेकिन जो ORS देने की जो ट्रेंड है कि हम उसको पहले से ORS दे दें, लगातार देते रहें, बच्चे को प्रॉब्लम नहीं, वो बहुत गलत है, क्योंकि ORS में सॉल्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, अगर हम उसको अननेसेसरी देंगे तो शरीर में सॉल्ट की मात्रा बढ़ सकती है, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, ORS के इंडिकेशंस हैं, अगर बॉडी से पानी लॉस हो रहा है, कहीं से उल्टियाँ हैं, दस्त हैं उसको, या बाहर सन में एक्सपोज हो गया है, तो उसमें ORS देना उचित है, लेकिन अगर उसमें ऐसा नहीं है, उल्टी दस्त नहीं है, तो ORS प्रोफाइलेक्टिकली देना, पहले से देना कि बच्चा सही बना रहेगा, उसमें पानी कमी नहीं होगी, वो गलत है। तो आप पानी सादा पिला सकते हो, आप नारियल पानी दे सकते हो, और जो घर के तरल पदार्थ बने वो चीज़ें हैं हम दे सकते हैं, फ्रूट जूस दे सकते हैं, फ्रूट जो जूस वाले फ्रूट्स होते हैं, जैसे तरबूज आ रहे हैं आजकल, खरबूज हैं, वो खिला सकते हैं, उनमें काफ़ी पानी प्रचुर मात्रा में होता है, वो दे सकते हैं, लेकिन ORS देना, सॉल्ट ज़्यादा देना, बिना किसी मतलब के देना, बिना डिहाइड्रेशन के देना, वो उचित बात नहीं होगी। जी, तो जैसे कि आपने बताया कि ORS और ग्लूकोज भी टाइम पर देना ज़रूरी है, जब वाटर लॉस हो रहा हो तब, तो इसके बारे में चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ रुकना होगा हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। और चर्चा को खास बनाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राजीव कृषक। चर्चा कर रहे हैं गर्मी के मौसम में बच्चों में होने वाली उन तमाम परेशानियों के बारे में। ब्रेक पर जाने से पहले हमने चर्चा की कि गर्मी की वजह से छोटे बच्चों में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं और किस तरीके से आप टेस्ट करा के समय रहते उनका ट्रीटमेंट करा सकते हैं और उनका जो डाइट प्लान है उस पर भी आपको खास ध्यान देने की ज़रूरत है। और ORS और ग्लूकोज की जो मात्रा है वो आपको समय पर देना है, अगर वाटर लॉस हो रहा है तभी देना है और क्या क्या कंडीशन होती है, इन सब की चर्चा आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर से जानेंगे। डॉक्टर, जैसे कि हम ब्रेक पर जाने से पहले चर्चा कर रहे थे ग्लूकोज और ORS को लेकर, तो जैसे कि आपने कहा कि अगर वाटर लॉस हो रहा है तो हम दे सकते हैं और बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों में तो वो भी नहीं दिया जा सकता, 6 महीने से अगर कम का बच्चा है तो हम वो भी नहीं दे सकते हैं। वहीं एक और चीज़ सामने आती है कि इन दिनों लोग जो मार्केट से बाय नहीं कर सकते हैं, खरीद नहीं सकते हैं ये चीज़ें, या जिनको महंगा लग रहा है वो लोग अपने घर पर चीनी और नमक से ORS बनाने की कोशिश करते हैं। जैसा लगता है कि सिर्फ नमक और चीनी का घोल मिला लिया तो वो ORS हो गया, उसकी जगह काम करेगा, तो उसका जो प्रोसीजर है और उसको लेने का जो सही तरीका है वो क्या है? जैसे घर में जो लोग ORS बनाते हैं तो बेसिकली होता क्या है, इसमें शुगर की और सॉल्ट की एक प्रॉपर मात्रा होनी चाहिए, जो रेशो है। अगर हम 1 लीटर पानी के लिए अगर मात्रा बनाएँ तो 3.5 ग्राम तो नमक होना चाहिए, यानी 1.25 चम्मच नमक होना चाहिए और 40 ग्राम यानी 8 चम्मच शुगर होनी चाहिए, ये 1 लीटर पानी के लिए। घर में होता क्या है कि लोग या तो नमक ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं या शुगर ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, और नमक अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे बॉडी में सॉल्ट ज़्यादा जाएगा तो ब्लड में सोडियम के बढ़ने के चांस होते हैं, उससे बहुत दिक्कतें रहती हैं, उससे दौड़े होने की और बेहोश होने की भी संभावना होती है अगर सॉल्ट बॉडी में ज़्यादा होगा तो। और अगर हम शुगर ज़्यादा देंगे तो दस्त और बढ़ने के चांस होते हैं, मान लीजिए उल्टी दस्त हो रहे हैं। होता क्या है, बेसिकली एक प्रॉपर कंसनट्रेशन इनका प्रॉपर रेशो नहीं होगा तो सोडियम और ये चीज़ें प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं होंगी। अगर सॉल्ट ज़्यादा है तो हाइपरनेट्रीमिया हो जाएगा, सॉल्ट ज़्यादा हो जाएगा बॉडी के अंदर, और शुगर ज़्यादा है तो उसमें जो है दस्त बढ़ने के चांस होते हैं। जी, तो जैसा कि आपने बताया कि दोनों की मात्रा जो है वो सही होनी चाहिए, तो अगर हम कंपेयर करते हैं मार्केट के प्रोडक्ट से और जो घर पे किसी ने बनाया उस ORS से, तो दोनों में क्या अंतर है? जो मार्केट में प्रोडक्ट आते हैं तो प्रॉपर कंसनट्रेशन में होता है, प्रॉपर अमाउंट सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, सब चीज़ें प्रॉपर क्वांटिटी में होती है। दूसरा, उसको थोड़ा टेस्टी भी बना देते हैं वो लोग, क्योंकि अब वैसे आप बना के देखेंगे तो सॉल्टी बहुत होता है, बच्चा लेगा नहीं उसको। बड़ा आदमी चलो उसमें नींबू डाल दीजिए, कुछ कर दीजिए, वो आप आराम से ले लेगा, नींबू की शिकंजी बांध के ले सकते हैं, उसको बना के ले सकते हैं। लेकिन छोटे बच्चों में ये लेने की प्रॉब्लम, खासतौर से अगर बच्चा छोटा है, 1 साल छोटा बच्चा है तो टेस्ट प्रॉपर डेवलप होता नहीं, तो उसमें बच्चा उल्टी कर देगा, ज़्यादा ORS दोगे उसको तो उस तरह का दोगे, घर का बना हुआ दोगे। जो मार्केट का बना हुआ है उसमें थोड़ा सा एक टेस्ट थोड़ा सा बेटर होता है। आजकल तो रेडीमेड भी आते हैं, जो फ्रूटी वाले पैक में, टेट्रा पैक में भी आजकल अवेलेबल है, उसका टेस्ट और थोड़ा सा बेटर किया हुआ होता है, तो बच्चा जो फ्रूटी मान के पी लेता है उसको, स्ट्रॉ भी साथ में आती है, तो ये तरीके अलग अलग ढूंढे हैं जिससे इंटरेस्टिंग तरीका बच्चे को दे सकते हैं कि उस तरीके से वो उसको एब्जॉर्ब कैसे भी ले, लेकिन अपनी जो है उसकी पानी की पूर्ति हो जाए। वहीं डॉक्टर, जैसे कि आपने कहा कि बच्चों को लेकर अभी तमाम तरीके से टेस्टी बना दिया उस चीज़ को या फिर कुछ और तरीके इस्तेमाल किए, वहीं बच्चों के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है, चाहे गर्मी का सीज़न हो चाहे सर्दियों का सीज़न हो, खाने को लेकर बड़े नखरे होते हैं। तो गर्मियों में अगर हम बच्चों के डाइट प्लान की बात करें तो उनका कहीं ना कहीं जो हरी सब्ज़ियाँ डॉक्टर बता रहे हैं या और चीज़ें हैं, जैसा कि आपने पानी पीने के लिए कहा, तो वो वैसे ही दौड़ते भागते तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। एक अगर हम डाइट प्लान की बात करते हैं तो गर्मियों के हिसाब से हेल्दी डाइट प्लान हम बच्चे का किस तरीके से रख सकते हैं? तो जो भी गर्मियों में हम फूड ले रहे हैं उसमें लिक्विड्स की मात्रा प्रॉपर क्वान्टिटी में होनी चाहिए, सॉल्ट की मात्रा प्रॉपर क्वान्टिटी में होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा बाहर जाएगा तो पानी और सॉल्ट का लॉस तो होना ही होना है उसको। जी, इसके अलावा तली और इस तरह की मसाले वाली चीज़ें भी कम लें, ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा लें, फ्रूट्स ज़्यादा लेने की कोशिश करें, स्पेशली जो जूस वाले फ्रूट्स आते हैं, मैंगो है वो ले सकते हैं, खरबूज है, तरबूज है, ये है सलाद, ककड़ी आ रही है, ककड़ी को अच्छे से धो के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए जिसमें कि ग्रीन वेजिटेबल्स भी हों, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी हों। लेकिन बच्चे खाते कहाँ हैं? वो तरीके ढूंढने पड़ते हैं बेसिकली। जी, तो वो ऑप्शन क्या हो सकते हैं, किस तरीके से? जैसे कि हम कई बार माएँ ऐसा करती हैं कि मेरी मम्मी खुद ये चीज़ करती थी जब मैं छोटी थी, कि अगर हम हरी सब्जियां नहीं खा रहे हैं तो उसको उबाल कर आटे में डाल दिया या उसकी रोटियां बना दी, तो उस तरीके से जो ऑप्शन है बच्चे के लिए वो छोटे बच्चों के लिए क्या रह सकते हैं? ये रोटी में डाल करके, इन सब में डाल के बना ही सकते हैं, लेकिन इसके अलावा उसमें आजकल मैगी का मसाला आता है, हाँ वो थोड़ा टेस्टी लगता है, वो टेस्टी होता है उससे। और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, फ्रूट एक नहीं खा रहा आप दूसरा भी दे सकते हैं जो पसंद हो उसको, और चेंज करके देने चाहिए, कोई एक चीज़ खा के बच्चा बोर हो जाएगा।
तो हमेशा उसको चेंज करते हुए देना चाहिए। दूसरा जो अगर ORS, जैसे हमने ORS की बात की थी, ORS नहीं ले रहा तो बहुत सारे अल्टरनेट तरीके और हैं ORS देने के, जैसे मूंग की दाल का पानी है जी, आम नमक डाल के दे दीजिए, उसमें खाना भी हो गया, पानी भी हो गया, सॉल्ट भी हो गया। ऐसी चावल का माड़ है और नमक डाल के दे सकते हैं। उपमा बनाते हैं, पतला बना लीजिए काफ़ी उसको, तो उसमें खाना भी हो गया, पानी भी चला गया और सॉल्ट भी चला गया। तो हमारी रिक्वायरमेंट उस तरीके से पूरी भी हम कर सकते हैं। अगर बच्चा ORS नहीं भी ले रहा है तो सादा पानी दीजिए, प्लस साथ में आप ये चीज़ें दीजिए जिससे कि लिक्विड भी चला जाए और सॉल्ट भी चला जाए। सही जी, और बच्चे का पेट भी भरा रहे और ये चीज़ें जल्दी पच भी जाती हैं बच्चे। आपने ORS की बात की तो उससे एक और सवाल मन में आया कि बहुत से लोग ऐसा करते हैं, ORS को घोला पानी में और उसको रख दिया, काफ़ी टाइम तक रख दिया, तो कहीं ना कहीं उसका जो एक टेस्ट है या न्यूट्रिशन है वो ख़त्म हो जाता है। तो वो जो रखा हुआ ORS है, या फिर खाने की ही अगर हम बात करते हैं, फ्रिज में रख दिया खाना, तो गर्मी के मौसम में ये चीज़ें कितना नुकसान कर सकती हैं? वो आइडियल तो ये है, खाना जैसे बात की तो फ्रेश खाना तो हमेशा अच्छा होता है, ताज़ा बना हुआ खाना, गर्म खाना बेस्ट है। जो लेफ्ट ओवर फूड है, जो बचा हुआ खाना है, उसको हमें बाहर नहीं रखना है, उसको प्रॉपर स्टोरेज करना है, फ्रिज में करें बहुत अच्छी बात है। और जब नेक्स्ट टाइम खाते हैं जल्दी से जल्दी इस्तेमाल करना चाहिए, जब भी हम खाते हैं उसको प्रॉपरली हीट कर लें, उसको हीट करके खाना ज़रूरी होता है। जो हम खाना बना रहे हैं, सब्जियाँ हैं, इनको बनाने से पहले प्रॉपरली पानी से वॉश करें, जिनमें हम छिलका निकाल सकते हैं वो निकालें, क्योंकि इसमें कीटाणु वगैरह रहते हैं, सफाई नहीं होती। तो वो और मार्केट में अगर रखी हुई सब्जियां तो वो भी प्रॉब्लम कर सकती है। तो कभी देखा हो तो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, और खासकर अब तो नहीं, गर्मियों में तो ताज़ा सब्जियां मिलना, मतलब ताज़ा नहीं, मैंने तो देखा हुआ है कई जगह नालों में धोते हैं उनको, ये तो बहुत बुरी बात है। नालों को धोकर के लाते, मतलब आप देख लो तो एक बार उसको खाने की इच्छा ही ना हो। जी, बच्चे तो तब खाएंगे, बड़े भी नहीं खा सकते, ये तो बहुत गलत बात है। और कहीं ना कहीं प्रॉपर उसको वॉश करें, वॉश करने के बाद पील ऑफ कर लें, उसको आप आराम से दे सकते हैं। जी, तो ये तो हमने सब्जियों की बात की, घर पे बने खाने की बात की, वहीं कुछ होम रेमेडी है लोग इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि दादी नानी के नुस्खे कभी गलत नहीं होते हैं और हमेशा फ़ायदा करते हैं। तो वो जो चीज़ें हैं घर पर, अगर हम जो घरेलू उपाय कर सकते हैं गर्मी से बचने के लिए, चाहे वो खाने को लेकर हो, चाहे इन तमाम जो प्रॉब्लम्स पर हमने चर्चा की इनको लेकर हो, कौन से ऐसे वो होम रेमेडी हैं जो आप हमारे जो बच्चों को प्रॉब्लम नहीं भी है उन्हें भी रिकमेंड कर सकते हैं? जैसे शिकंजी है, नींबू की शिकंजी नमक डाल के लीजिए, आप आम का पन्ना बनाते हैं नमकीन, वो भी फायदेमंद है, सॉल्ट भी प्रोवाइड करता है, पानी भी, न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कर रहा है। आप सत्तू जो पहले पुराने जमाने में इस्तेमाल होते थे, अब तो पैकेट्स आने लगे, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है, वो पे दे सकते हैं सारी चीज़ें जी। और जैसा कि बहुत से लोग ग्लिसरीन का कुछ बनाते हैं, या नींबू डाल लिया, या फिर जैसे अगर हम बच्चों की बात करें तो मार्केट में जो प्रोडक्ट्स आते हैं कई बार वो ख़तरनाक भी होते हैं बच्चों की स्किन के लिए, स्किन प्रोडक्ट्स जितने भी आते हैं। तो अगर 2-3 साल का बच्चा है या उससे छोटा बच्चा है, तो हम सनस्क्रीन या फिर और चीज़ें उसके लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या ऑप्शन हो सकते हैं? इन चीज़ों से बेसिकली बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली होती हैं, प्रिजर्वेटिव ऐसे होते हैं, वो कई बार एलर्जी करते हैं। और उसके वजह से बच्चे की स्किन तो वैसे ही ज़्यादा सेंसिटिव। आजकल स्टैंडर्डाइज चीज़ें भी हैं, हाइपो एलर्जी चीज़ें भी आ रही हैं, इसमें एलर्जी होने के चांस कम होते हैं, वो भी अपन कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया उसको पूरे कपड़े बनाओ ना आप, सूती कपड़े, पूरी बार कपड़े बनाइए उसको। इसका मतलब नहीं गर्मी है तो हम आधे कपड़े बनाएंगे उसको, अब पूरे कपड़े बनाइए। लोगों को ये लगता है बड़ी गलतफहमी कि अपन उसको हाफ पहनाए गर्मी के टाइम पे, नहीं, उसको आप कॉटन पहनाइए, पूरा पहनाइए। पूरा पहनाएंगे तो आपको सनस्क्रीन की भी आवश्यकता नहीं होगी, आपको जो पसीना बन रहा है, भाप बन के उठ रहा है, जो वाटर लॉस हो रहा है, वो भी कम हो जाएगा। तो इसलिए अगर बच्चों को बाहर ले जाना, पूरे कपड़े बना के ले जाएं, कपड़े हालांकि सूती हों, पतले हों, तो और ज़्यादा फायदा करेंगे बच्चे के लिए, वो हीट से भी बचाएंगे और डिहाइड्रेशन से भी बचाएंगे। तो डॉक्टर, वहीं अगर हम बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों की, जैसे कि छोटे बच्चों के लिए लोग गर्मियों में भी तमाम तरीके के पाउडर्स हो गए या ऑयल हो गए, जो बहुत सारे ऐसे पाउडर मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि लगाने पर लगता है कि वो ठंडा महसूस करते हैं बच्चे, तो क्या वो चीज़ें छोटे बच्चों के लिए ख़तरनाक हो सकती हैं? जो ठंडे वाली बात करो ना, उसमें कुछ कैम्फर वैसी चीज़ें होती हैं जो ठंडा महसूस देती हैं, बाकी उसे ठंडा तो कुछ नहीं होता कुछ भी उसके अंदर। जी जी, जहाँ तक मालिश की बात है, तेल लगाने की बात है, बहुत से लोगों में एक ये देखा गया है, छोटे बच्चों को मालिश कर रहे हैं, मालिश की आधा घंटे बाद नहलाया उसको, तो ये बिल्कुल गलत ट्रेडिशन है। मालिश करने के बीच में और नहाने के बीच में कम से कम 3 या 4 घंटे का गैप होना चाहिए। जो हमने मालिश की है वो उसका फ़ायदा जब भी होगा जब बॉडी में ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए, और वो प्रोसेस और आपने इमीडिएटली नहा दिया तो एब्जॉर्ब नहीं होगा। दूसरा, इमीडिएटली नहाने में क्या होगा कि जो हमने ऑयल लगाया है वो एक बैरियर बना लेगा, तो जो मॉइस्चर नहाने के टाइम जब बॉडी में चल गया थी उसको भी प्रिवेंट करेगा, तो बॉडी में मॉइस्चर नहीं जाएगी, तो स्किन उसकी ड्राई रहेगी।
तो जो लोग ये करते हैं कि बच्चे को नहलाया इमीडिएटली नहलाने वाले मालिश किया तुरंत नहला दिया उसको, वो गलत है। आप सुबह नहलाइए, उसको कपड़े बना के लटा दीजिए और दोपहर के समय सुबह मालिश करिए, कपड़े बना के लटा दिए और दोपहर के समय उसको, जिससे कि उसकी स्किन जो है सॉफ्ट बनी रहे, हाइड्रेटेड बनी रहे, ये जरूरत है जी। तो आपने नहलाने की बात की, तो उससे एक और सवाल उठता है कि कई बार लोग ऐसा करते हैं कि अगर फीवर आया तो उन्हें लगता है कि बच्चे को सर्दी की वजह से फीवर आया, बट आपने कहा कि कई बार गर्मी की वजह से भी फीवर आ सकता है, बुखार हो सकता है बच्चे को। तो उस समय में जो लोग हैं वो कई बार ऐसा करते हैं, छोटे बच्चों को और ज़्यादा कपड़े पहना दिए कि सर्दी लग जाएगी, तो वो चीज़ काफ़ी हद तक कहीं ना कहीं गलत है, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि छोटे बच्चों को सर्दी ही लगेगी, तो उसके बारे में थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे। ये बिल्कुल गलत धारणा है कि ज़्यादा कपड़े बना दें तो उसको बुखार नहीं आएगा, बल्कि जो बुखार आता है वो कम कैसे होता है, कम दो तरीके से होता है। एक तो जो स्वेटिंग ज़्यादा होती है, जो स्वेट बना वो एवोपरेट होगा, जब भी पानी एवोपरेट होता है तो बॉडी से हीट ले लेता है, तो बॉडी ठंडी हो जाती है। तो एक तो वो तरीका है हीट लॉस होने का। दूसरा, एक रेडिएशन के थ्रू होता है, हमारी बॉडी गर्म है, बाहर एनवायरमेंट ठंडा है, तो हम हीट रेडिएशन के द्वारा होगी। अब हम उसको कंबल उसको उड़ा दिया हमने, उसको हीट उसकी बाहर जा नहीं पाएगी, पसीना जो बना है वो भाप बन के उड़ नहीं पाएगा, तो उस कंडीशन में उसका बुखार बल्कि और ज़्यादा हो जाएगा। हमेशा जब भी बुखार हो बच्चे को कम से कम कपड़े पहनाएं। हम पानी से पट्टी क्यों करते हैं हटा करके, इसलिए करते हैं कि जो ठंडा हो, डायरेक्टली भी ठंडा हो, प्लस जो पानी हमने बॉडी में लगा दिया है वो भाप बन के उड़े, भाप बन के उड़ेगा तो बॉडी से हीट लेके जाएगा। तो कायदेस तरीका यह होता है कि स्पॉन्जिंग करें बच्चे को और हल्का सा पंखा चला दें, हल्का सा पंखा चलाने से क्या होगा, वो पानी भाप बन के उड़ेगा जी, तो बॉडी के टेम्परेचर को जल्दी डाउन करेगा जी। आपने पंखे की बात की, तो इसमें अगर हम लगातार देखते हैं तो आजकल एसी का चलन बहुत बड़ा है, और बच्चों को लेकर लोग बड़े ये रहते हैं कि अगर बच्चे को हम एसी में ही रखें पूरे दिन या फिर गर्मी ना लग जाए, तो उसके लिए एसी में बहुत कम टेम्परेचर करके रख दिया और बच्चे को वहाँ लिटा दिया, छोटे बच्चों को। तो जो एसी में रहने वाले बच्चे हैं वो कई बार ऐसा होता है कि अगर वो बाहर निकले या फिर उनको वहाँ से हटाया तो वो तुरंत बीमार हो जाता है, तो इस कंडीशन में कैसे बच्चों को हैंडल करना है? बेसिकली एसी में रखना बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन उसको आप टेम्परेचर प्रॉपर करना चाहिए। मैंने बताया था शुरू में बताया था 25 से 30 के बीच में बच्चे के लिए आइडियल टेम्परेचर होता है। आइडियली आप एसी को 28 पे सेट करिए, दो फायदे होंगे, एक तो टेम्परेचर प्रॉपर रहेगा जो हमें हमारी बॉडी को चाहिए, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी कम होता है उसमें। अगर आप 23 पे सेट कर रहे हैं, 22 पे सेट कर रहे हैं, तो बिजली ज़्यादा खर्च होगी, 28 पे मिनिमम खर्च होगी। तो एसी में रखना बुरा नहीं है, लेकिन 28 के आसपास सेट करना चाहिए, और आप एक सी से निकल के एकदम से बाहर 40 के टेम्परेचर चले गए उसमें दिक्कत आएगी। तो एक ट्रांजिशन पीरियड होना चाहिए, एसी से निकल के थोड़ी देर बाहर बैठे, उसके बाद बाहर निकले, टेम्परेचर नॉर्मल होने के बाद उसके बाद हम बाहर जा सकते हैं। तो डॉक्टर, अगर हम बच्चों की बात करें, तो अभी हम जो डाइट की बात कर रहे थे उसमें एक और चीज़ सामने आती है कि लोग बाहर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बच्चे काफ़ी खाना पसंद करते हैं, तो गर्मियों के मौसम में वो कितना नुकसान कर सकते हैं? बाहर की खुली हुई चीज़ तो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, स्पेशली जो स्ट्रीट फूड्स हैं, आपके जो फल कटे हुए होते हैं, सलाद होते हैं जो बाहर मिलते हैं ठेलों में मिलते हैं, या जो चाट पकौड़ी इस तरह से मिलती हैं स्ट्रीट में, गोलगप्पे हैं, ये सब चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन होने के चांस होते ही होते हैं, और उल्टी दस्त और टाइफॉइड और हेपेटाइटिस ए होने का मेन कारण वही होता है, वहीं से इन्फेक्शन जी। तो दर्शकों, आज के हमारे एपिसोड में इतना ही। चलते चलते डॉक्टर आपसे जानना चाहेंगे, जो हमारे बच्चे हैं तमाम तरीके की जो परेशानियां सामने आ रही हैं उनसे कैसे बचें, और इन सबको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक तो गर्मी के मौसम में खूब अच्छे तरीके से पानी पिए, एडल्ट्स में और बड़े बच्चों में लगभग 8 से 10 गिलास पानी पर डे कम से कम चाहिए ही चाहिए। कपड़े बाहर ढंग से पहन के निकलें, कवर करके निकलें अपने आप को, अननेसेसरी धूप में एक्सपोजर ना हो, खाने से पहले, टॉयलेट से आने के बाद, खाने के बाद, खाना बनाने से पहले हाथ अच्छी तरीके से धोएं, जिससे इन्फेक्शन से बच सकें। और अगर आप में कोई इन्फेक्शन है, मान लो आपको टाइफॉइड या बुखार हो रहा है, तो आप खुद खाना बनाने से बचें, जिससे कि दूसरे को इन्फेक्शन आप ना फैला सकें। बच्चे को प्रॉपर मात्रा में पानी देना चाहिए, और जो छोटे बच्चे हैं 6 महीने से छोटे बच्चे, उनको अच्छे से माँ का दूध पिलाएं, जिससे कि बच्चा बीमार ना पड़े, डिहाइड्रेशन ना हो उसको, और कोई दिक्कत ना हो जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आपका इन सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। तो दर्शकों, आज के हमारे एपिसोड में इतना ही। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, और इस गर्मी के मौसम में तमाम परेशानियों से बचे रहिए। नमस्कार।